ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। गए ही टूरिस्ट वीजे ते गए ही नथो ते ते ओ अगे पता नहीं हुन केड़े बंदे उनां नूं टक्करे ना, हानूं ते इन्ना भी नहीं पता किहदे नाल फिर अगे गल उनां दी होई आ नहीं होई किद्दां करके गए न, ते ओ अगे गां करके उनां नाल गए आ ते सारे इकट्ठे हो के ते ओ बार्डर ते फड़ ले आ, आर्मी ने पुलिस वाले ने फड़े तो पुलिस वाले कहते एक एक दो दिन खरे रखे उत्थे ते ओना फिर आर्मी के हवाले कर दिते दे। ये रवनीत सिंह की माँ है, रवनीत पंजाब के गुरदासपुर में दीनानगर गांव के रहने वाले। माँ पंजाबी में कह रही, हम लोग बहुत गरीब 11 लाख का कर्ज लेकर रवनीत को टूरिस्ट वीज़ा पर विदेश भेजा। एजेंट ने वादा किया कि हम उसे किसी अच्छे देश में काम करने के लिए भेजेंगे, पर कुछ दिन पहले बेटे का फ़ोन आया। उसने बताया कि हमें पकड़कर रूस की सेना में ज़बरदस्ती भर्ती कराया जा रहा है, एग्रीमेंट भी कराया गया। इसकी भाषा रवनीत और उसके साथ के लड़कों को समझ नहीं आ रही थी। सरकार से गुहार, हमारे बच्चे को सुरक्षित वापस लाएं। रवनीत जैसे तमाम हैं जो नौकरी के लिए या घूमने के लिए रूस गए, लेकिन वहाँ उन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 5 मार्च को एक वीडियो सामने आया, इसमें कुछ युवक हैं जो खुद को भारतीय बताते हैं और फौज की वर्दी में दिखते हैं। वर्दी भारत की नहीं, रूस की सेना की है। युवक कह रहे, टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे, एजेंट लाया था, उसने वादा किया अच्छी नौकरी दिलाएगा, पर वहाँ जबरन भर्ती करा दिया गया। हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला, उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ, और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीजा की ज़रूरत होती है, वो हमें ऐसे ही लेकर चला गया, और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा, मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा, हमारे पास और पैसे नहीं थे, उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया, और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें, रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा, और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। वीडियो में कुल 7 युवक हैं, उनके इसके वीडियो को केंद्र में रखते हुए अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने विस्तार से रिपोर्ट की और पहचान बताई। गगनदीप सिंह, लवप्रीत सिंह, नारायण सिंह, गुरप्रीत सिंह, हर्ष कुमार, अभिषेक कुमार और एक अन्य, 5 लोग पंजाब के, 2 हरियाणा के। वीडियो में कह रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें पकड़कर रूस की सेना के हवाले किया और सेना ने रूसी भाषा में एग्रीमेंट पर जबरन दस्त कर लिए। इससे पहले अखबार ने 20 फरवरी को भी ये खबर छापी थी, तो और तब भी लिखा था कि रूस में सिक्योरिटी हेल्पर के रूप में नियुक्त किए गए कम से कम 3 भारतीयों को रूस यूक्रेन सीमा पर युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसमें एक युवक हैदराबाद का, दूसरा गुजरात का और तीसरा यूपी का बताया जा रहा है। लगभग 100 भारतीय ऐसे हैं जो 1 साल से रूस की सेना में इस तरह से काम करते बताए जा रहे हैं। इनमें से जिन भी लोगों की बात किसी माध्यम से बाहर आ पाई, उसमें कुछ चीज़ें कॉमन समझ में आई। जैसे पहली बात की, हमें बताया गया केवल हेल्पर के रूप में काम करना है, पर कुछ ही दिन में रूस की सेना ने हमें हथियारों और गोला बारूद के प्रशिक्षण के लिए भर्ती किया, यूक्रेन भेजने की तैयारी हुई, फ़ोन और डॉक्यूमेंट छीन लिए गए। पॉइंट 1। दूसरा कॉमन पॉइंट, रूस की सेना कहती है कि हम 1 साल बाद ही यहाँ से निकल सकते हैं, हमसे युद्ध जीतने में मदद करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये भी जता देते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें सज़ा होगी या शायद हम जिंदा भी ना बचें। तीसरा बिंदु, यूक्रेन रूस में कई भारतीय फंसे हैं, भारतीय दूतावास और भारत सरकार से अपील करते हैं कि हमारी मदद करें, ये हमारा आखिरी वीडियो हो सकता है, ये सब जगह आ रहा है कि वे हमें यूक्रेन युद्ध में भेज रहे हैं, हमें बचाया जाए। इस पर 29 फरवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय ने रिएक्ट किया था और कहा था कि लगभग 20 भारतीय मदद के लिए मॉस्को में भारतीय दूतावास पहुंचे और भारत वापस आने के लिए आवेदन दिया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा था कि भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार रूस के संपर्क में है और मजबूती से मुद्दा उठाया जा रहा है। 25 जनवरी को एक हैदराबाद का एक लड़का है जो वहां पे फंस गया, और उसकी जो साथी ने उसकी फैमिली को आके फोन किया कि मैंने उसको इंजर्ड हालत में देखा है, तो वो जो लड़का था उसकी जो फैमिली थी वो हैदराबाद के जो एमपी हैं असदुद्दीन ओवैसी उनके पास गए, और ओवैसी जी ने चिट्ठी लिखी एमईए को और साथ में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर को, पर उनको उस बात का कोई जवाब नहीं आया। आज हमें पता चल रहा है कि वो जो मोहम्मद असवान थे उनकी आज डेथ हो गई है, आज इंडियन एम्बेसी इन लखनऊ ने उनके फैमिली को फोन करके बताया है कि उनकी डेथ हो गई है। तो 3 महीने से उनकी फैमिली जो है सरकार को कह रही थी कि आप कुछ करिए, लड़के फंसे हुए हैं उनको वापस लाइए, और जब सबसे पहली खबर जब हिंदू में छपी फरवरी 20 को, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया जो आई सरकार की वो थी फरवरी
23 को, और जब उन्होंने कहा कि हमने रशियंस को अथॉरिटीज से हम टच में हैं और हम इनको वापस ले आएंगे जो भी है। उसके बाद 26 को एक और प्रतिक्रिया आती है, जब हम और खबरें करते हैं कि वहां जो लड़के हैं वो वीडियोस भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इंडियन एम्बेसी में, वो फोन करते हैं फोन हैंग अप कर दिया जाता है, उनको वेट पे रख दिया जाता है, तो उनका कोई मतलब सुनवाई नहीं है। तो जब हमने वो स्टोरी की, उसके बाद इंडियन विदेश मंत्रालय ने एक और प्रतिक्रिया जारी किया, एक और स्टेटमेंट दिया कि बहुत सारे सेवरल इंडियंस का अर्ली डिस्चार्ज किया है और हमने स्ट्रांगली रशिया से ये इश्यू उठाया है। पर अगर आप बात करें इंडियन से वहां पे जो फंसे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम ऐसा ऐसे किसी को नहीं जानते हैं जो वापस आए हो। एक बस लड़का है कोई मोहम्मद ताहिर करके गुजरात में, वो भी अपने इनिशिएटिव से वापस आए हैं। तो ये है अब तक की कहानी। बीबीसी की भी एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक इस नेटवर्क में दो एजेंट रूस में थे और दो भारत में। फैजल खान नाम के एक और एजेंट का नाम आ रहा है जो दुबई में रहता है और बाकी सभी एजेंट्स के बीच कड़ी का काम करता है। फैजल बाबा ब्लॉग्स नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है और अपने चैनल पर विदेश में नौकरियों के पोस्ट करता है और बताता है कि कैसे दूसरे देशों में हेल्पर के तौर पर काम कर अच्छी कमाई की जा सकती है। इस पूरे प्रकरण को द हिंदू अखबार के लिए कवर करने वाली पत्रकार विजेता सिंह से हमने विस्तार से बात की ताकि मोडस ऑपरेंडी समझ में आए। इन लड़कों को ये बोला गया था कि इनको सिर्फ मलबा उठाना होगा या एज अ हेल्पर काम करना होगा, पर जब वो वहां पहुंचे सारे लड़कों का यही कहना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमसे साइन करवाया गया जो कि रशियन लैंग्वेज में था, और उसमें लिखा था, लिखा जो उनको बाद में पता चला कि 3 महीने तक तो ये छोड़ भी नहीं सकते, 1 साल तक नहीं छोड़ सकते, उनको जो पहली छुट्टी मिलेगी वो 6 महीने के बाद मिलेगी। तो ये वो उस तरीके से फंस गए वहां पे। और इन सब लड़कों में कॉमन जो चीज देखने को मिल रही है, देवा मतलब ये सारे एक यूट्यूब चैनल है उसे इंस्पायर्ड हुए थे। अब दुबई में है वो, फैजल खान है, वो बाबा ब्लॉग्स करके चलाते हैं, मैंने उनसे बात भी किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि इनको वॉर जोन में भेजना, हमें हमें बस ये कहा गया था कि जो उनके जो साथी हैं कि मतलब आप प्रचार करिए, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, और अगर इंडियंस आ रहे हैं तो उनको किस तरह की मदद दी जाए, किस तरह का सचेत किया जाए। आज का लंदन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।